हाय गाइस, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल शिवी लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ पॉन्ड्स बीवी क्रीम का। गाइस, पॉन्ड्स बीवी क्रीम, आई लव दिस क्रीम। और आपको मेकअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास में क्रीम है तो। तो गाइस, चलते हैं रिव्यू में। पर रिव्यू में जाने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पर सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल बटन को प्रेस करना जरूर, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो गाइस, ये रही वो क्रीम जिसके बारे में आपसे बात करी हूँ। तो ये गाइस है ये पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम। तो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर की पैकेजिंग में है। आई लव दिस पैकेजिंग। पिंक कलर का ट्यूब है गाइस, पिंक कलर तो सबको पसंद होता है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 75 रुपीज़ में है। अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है ये ऑल इन वन बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम SPF 30 PA प्लस प्लस। गाइस, इसमें SPF 30 है, काफ़ी SPF है यार इसमें तो। और एज अ क्रीम, एज अ सनस्क्रीन, दोनों ही हमें इस क्रीम में मिल रही, तो इसको ज़रूर लेना बनता है। और ये सारे काम करती है, ऑल इन वन है ये गाइस। और आपकी स्किन को एकदम वाइट लेयर देती है आपके स्किन टोन के कलर पे, आपके स्किन टोन पे एकदम वाइट लेयर देती है, जिससे कि आपका जो स्किन का कलर है एकदम नेचुरल लगता है। जैसे कि इसमें SPF है, SPF 30 है। SPF 30 क्या होता है, हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको लगा रहे तो कहीं बाहर जाएंगे तो ही लगाएंगे। तो अगर लगाते हैं तो सनस्क्रीन भी हमारी स्किन पे अप्लाई हो जाती है। और एज अ क्या बोलें इसको, फाउंडेशन या क्रीम, इसको कुछ भी आप बोल लीजिए, वो भी आपके स्किन पे लग जाता है। तो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है आपकी स्किन में। और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये क्रीम गाइस, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जहाँ तक। और लाइट, काफ़ी लाइट वेट क्रीम है और नॉन ऑयली टेक्सचर है इसका। मतलब ऑयली ज़रा टेक्सचर नहीं इसका, नॉन ऑयली टेक्सचर है, क्योंकि ये मैट फिनिश देता है आपके स्किन को। ये क्रीम है, छोटी सी पैकेजिंग में है ये। तो इसकी क्वांटिटी 9 ग्राम की है। और पहले ये गाइस क्रीम ये 88 रुपीज़ की आ रही थी, बट अब इसमें डिस्काउंट है तो ये 78 रुपीज़ की आने लगी है। और काफ़ी अच्छी क्रीम है। और ये मैं इसको सेकेंड टाइम ले रही हूँ, मतलब मैंने सेकेंड टाइम इसको परचेस करा है। तो मैंने इसकी पैकेजिंग ओपन नहीं करी, मैं सोचा चलो मैं रिव्यू पहले शेयर कर देती हूँ फिर इसकी पैकेजिंग ओपन करती हूँ। सो चलिए इसकी पैकेजिंग को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसी है ये क्रीम। और मैं आपको बता दूँ कि ये क्रीम ऑल टाइप स्किन के लिए है। आपके ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कुछ ज़्यादा ही ड्राई स्किन है तो एज अ क्या आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रीम को अप्लाई करी, आपको किसी भी फेस पाउडर या फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। सो चलिए इसको अप्लाई करते हैं अपनी स्किन में और देखते हैं कैसी है। सो आप देख सकते हो छोटी सी क्रीम है ये, बहुत प्यारी सी छोटी सी। और इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है जो कि मेरे पास पहले ऑलरेडी थी और अभी पता नहीं कहाँ है वो, बट हाँ मैंने इसका छोटा वाला ट्यूब अभी मंगाया हुआ है। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी क्लासी पैकेजिंग है इसकी। सो आई लव दिस। और चलिए इसको ओपन करते हैं हम और इसमें थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं अपने स्किन पे। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ी सी क्रीम ली हुई है और मैं इसको अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई करती हूँ। सो अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहते हो अपनी स्किन में, कोई क्रीम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपका ये फाउंडेशन का वर्क करता है। और आप देख सकते हैं आपकी स्किन में कितनी अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है ये, और काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश दे रही है गाइस, और मुझे काफ़ी पसंद है ये, आप देख सकते हो। और कैमरे में शायद इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी मैट फिनिश दे रही है ये। सो गाइस, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लीजिए और ट्राई करिए। और किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में आपको मिल जाएगी। और भी मेरी वीडियोस को देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि तो यार मेहनत करते हैं, लाइक करना तो बनता है ना। और भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि गर्मी के टाइम में सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए, तो सनस्क्रीन के मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो आप पिछली मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं और शायद आपको उसमें से कुछ आपका काम का मिल जाए, ठीक है गाइस। तो चलिए इस रिव्यू को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।